Time is our most valuable asset because we can always make more money but never make more time. And सिर्फ एक ही चीज़ है जो हम सबको equally दी गई है regardless of our age, gender, height, body type, etc. which is 24 hours. So अगर हम अपने time को अच्छे तरीके से manage करना सीख गए then we can save up to 20 plus hours a week to do something which is actually meaningful and useful for us. पिछले कुछ महीनों में मैंने 10 से भी ज़्यादा time management के ऊपर books पढ़ी हैं and this video is going to be a summary of all the lessons that I've learned and applied from those books. So starting off with the first habit which is planning your day a night before. Human brain की limited capacity होती है और वो एक दिन में कुछ specific number of decisions ही ले सकता है. So smartness is about knowing के कौन से decision में अपनी energy utilize करनी है और कौन से में नहीं करनी है. In fact, Mark Zuckerberg who's the CEO of Meta, वो भी एक ही color की t-shirt रोज पहनते हैं so that उन्हें आज मैं क्या पहनूं वाला not so important decision हर दिन ना लेना पड़े. So that he can use that energy into making more important and productive decisions. So अगर हम अपना अगला दिन एक रात पहले ही plan कर लें, it reduces the number of decisions that we have to make throughout that day. So इससे हमारी mental energy save होती है and we can use that into making some productive or critical decisions. So how to do this? Firstly, have a shutdown routine. जैसे दिन के end में हम laptop को shutdown करते हैं ना, वैसे ही you should have a personal and a professional shutdown routine for yourself. Personal could be making your bed, brushing your teeth or doing your skin care. And professional could be cleaning your workspace or preparing your bag or choosing your outfit. Basically, अगले दिन जब हम high energy के साथ उठे तो ये छोटे मोटे task करने में अपनी energy को waste ना करें. Second, make a to-do list. क्या क्या काम करने इंपॉर्टेंट है उसकी एक लिस्ट पहले से ही प्रिपेयर करके रखो. मेरे केस में आई यूजुअली प्रेफर राइटिंग इट ऑन माय स्टिकी नोट और मेकिंग अ वीकली प्लानर बिकॉज व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हूँ बट यू कैन यूज गूगल कैलेंडर नोशन और एक्सेल शीट टू प्लान आउट योर टास्क फॉर द डे एंड रैंक द टास्क बेस्ड ऑन इट्स प्रायोरिटी. देन थर्ड इज टू ब्लॉक योर टाइम. Now because we have 24 hours, we can divide it into 6 slots of 3 hours each. So basically, सुबह 6 से 9 का एक slot हो गया, फिर 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ये पूरा एक circle complete हो जाता है. अब हमें identify करना है कि हम कौन से slot में सबसे ज़्यादा active होते हैं और सबसे ज़्यादा lazy feel करते हैं. जैसे मेरे केस में 12 से 3 वाला स्लॉट मेरे लिए हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाला होता है क्योंकि मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया, वर्कआउट कंप्लीट कर लिया, सब चीज़ कंप्लीट कर लिया, 12 बजे मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ एंड आई एम द मोस्ट प्रोडक्टिव ड्यूरिंग दैट स्लॉट. बट 3 से 6 के बीच में आई गेट अ लिटिल लेजी क्योंकि लंच कर लिया और उसके बाद थोड़ी सी नींद आने लग जाती है. सो जब मुझे अपने टास्क को यू नो टाइम ब्लॉक करना होता है तो जो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जिसको ज़्यादा ज़रूरत है अटेंशन की उसे मैं 12 से 3 वाले स्लॉट में कंप्लीट करना प्रेफर करती हूँ. जिसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जैसे रिप्लाइंग टू ईमेल्स या मेकिंग अ कॉल वो 3 से 6 के स्लॉट में जाता है. ऑल्सो अ लिटिल टिप, प्लीज़ स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली. सुबह 6 से 9 के स्लॉट में उठना शुरू करो इफ़ यू डोंट ऑलरेडी क्योंकि अगर हम जल्दी नहीं उठते तो वी आर ऑलवेज रनिंग लेट फॉर द इम्पॉर्टेंट टास्क. तो उस चक्कर में जो काम एक्चुअली शांति से एकदम स्लोली करने चाहिए उसमें भी हम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करते हैं जैसे कि टेकिंग अ शावर और हैविंग योर फूड और ब्रशिंग योर टीथ. एंड आई हैव बीन देयर. स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग विद मैनेजिंग माय टाइम आई यूज्ड टू बी अ पर्सन हु वाज ऑलवेज रनिंग लेट एंड इस चक्कर में आई यूज्ड टू ब्रश रियली हार्ड एंड 30-40 सेकंड्स में आई यूज्ड टू गेट डन विद इट. बट व्हेन आई रिसेंटली विजिटेड माय डेंटिस्ट शी टोल्ड मी दैट एटलीस्ट 2 मिनट तक ब्रश करना होता है एंड इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्ट्स ऑफ 30 सेकंड्स ईच. सो आई स्विच टू एन इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश बाय परफोरा. इट कम्स विद अ 360 डिग्री रोटेटिंग ब्रश विद 8800 स्ट्रोक्स पर मिनट एंड अ 2 मिनट टाइमर टू इंश्योर प्रॉपर क्लीनिंग. इट हैज अ USB-C पोर्ट फॉर चार्जिंग विद अ बैटरी लाइफ ऑफ 21 डेज सो 1 फुल चार्ज एंड यू आर गुड फॉर 3 वीक्स. देयर इज अनदर प्रोडक्ट दैट आई गॉट व्हिच इज द पर्पल सीरम फॉर टीथ व्हाइटनिंग व्हिच वर्क्स ऑन कलर थ्योरी. इट काउंटर अटैक्स द येलो कलर टर्निंग इट व्हाइट. देयर आर नो ब्लीचिंग agents used, it's safe and kind of tastes like an apple or a peach. So if you guys want to switch from your manual toothbrush to an electric one, you can check out Perfora's link in the description and in the pinned comments for the same. Then the next habit is to prioritize your task using Eisenhower matrix. It's a very simple time management technique named after President Dwight D. Eisenhower, but it was popularized by Stephen Covey, who is also the author of the most popular self-help book, which is The 7 Habits of the Highly Effective People. So basically, your matrix char quadrants mein divided hai. First quadrant is about urgent and important tasks. Then second is not urgent but important. Third is urgent but not important. Fourth, not urgent and not important. Ab urgent and important tasks should be finished immediately. Not urgent but important tasks should be scheduled for later. Urgent but important tasks should be delegated to someone else and not urgent and not important tasks should be eliminated. Sounds simple but अक्सर हम confuse हो जाते हैं कि important task कौन सा है और urgent task कौन सा है. So let me simplify this for you. कोई भी ऐसा task जिसको delay नहीं कर सकते या something that comes with a deadline
दैट कम्स अंडर द अर्जेंट कैटेगरी एंड समथिंग जो आपको पर्सनली या प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प करे ऐसे टास्क कम्स अंडर द इम्पॉर्टेंट कैटेगरी. एंड जब आपके पास एक टू डू लिस्ट रेडी हो, जैसे मेरे केस में मैंने अपने स्टिकी नोट पे सब चीज़ लिख के रखी हुई है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक एक्सेल शीट की लिंक प्रोवाइड की है जो कि यहाँ पर अभी मेरे पास ओपन भी है. वो आप ओपन कर सकते हो, उसमें एक डेट डालो एंड अपने टास्क को कैटेगरी में डिवाइड करना शुरू कर दो बिटवीन अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट. देन टास्क को कैटेगरी में डालने से पहले आस्क योरसेल्फ दीज टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. फर्स्ट, क्या ये टास्क तुरंत करना जरूरी है या डज इट कम विद अ डेडलाइन? इफ येस देन इट कम्स इन द अर्जेंट कैटेगरी, इफ नॉट देन ये नॉट अर्जेंट में जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन, क्या ये टास्क मुझे पर्सनली या प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प कर रहा है? अगर हाँ तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाएगा, अगर नहीं देन इट विल गो इनटू द नॉट इंपॉर्टेंट कैटेगरी. एंड मेक श्योर कि आप हर एक टास्क के लिए ये सवाल लाइक दोनों सवाल पूछो. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जैसे मेरी टास्क लिस्ट में लिखा हुआ है हायरिंग वीडियो एडिटर फॉर माय यूट्यूब चैनल. इफ आई आस्क माय सेल्फ दोज टू क्वेश्चंस, तो फर्स्ट इज क्या ये काम तुरंत करना इंपॉर्टेंट है या कोई डेडलाइन के साथ आता है? एज ऑफ टुडे नहीं, बट क्या ये काम मुझे पर्सनली या प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प करेगा? येस. So this task comes under the important but not urgent category. After sorting out the categories, अगर आपने हर task में दोनों भी categories को yes किया है तो वो first quadrant में जाएगा which is urgent and important. For example, any task which comes with deadlines or meetings. So ऐसे task को हमें priority पे ख़त्म करना है. Next वो task हैं जो कि important हैं but urgent नहीं, ये सारे second quadrant में जाएंगे which is learning a new skill or preparing for an exam or doing your workout. ये सभी टास्क हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं, इसलिए हमें इनको अपने रूटीन में स्केड्यूल कर देना है. देन द नेक्स्ट क्वाड्रेंट इज फॉर द टास्क विच आर अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे आंसरिंग योर ईमेल्स और हेल्पिंग योर कलीग विद समथिंग. अब ये कैटेगरी ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है क्योंकि कभी कभी हमारे टास्क के अर्जेंट होने की वजह से हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट भी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे टैक्स फाइल करने हैं, रिटर्न फाइल करने हैं और कल उसकी लास्ट डेट है, तो मुझे लगेगा कि ये अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है. बट इफ आई आस्क माई सेल्फ अगेन दोज टू क्वेश्चंस कि क्या ये डेडलाइन के साथ आ रहा है, येस देन इट इज अर्जेंट. बट क्या ये मुझे पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो करने में कहीं ना कहीं से भी हेल्प कर रहा है? अनलेस आई एम अ सीए, इट इज नॉट हेल्पिंग मी आउट. सो वॉट आई कैन डू इज डेलीगेट इट टू समवन एल्स जो कि मेरे बिहाफ पे ये अर्जेंट वाला काम करके दे दे. देन कम्स द फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें वो टास्क आते हैं जो कि ना ही अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है. यूजुअली हम इस कैटेगरी के टास्क को सबसे पहले कर रहे होते हैं टू गिव अस अ फॉल्स सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, ओवर ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स विच आर ऑलरेडी टाइडी या चेंजिंग माइनर डिटेल्स जस्ट टू गेट इन टू दैट परफेक्शनिस्ट वाला जोन. सो ये सब चीजें हमें एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए ये आइजनहोवर मैट्रिक्स को अपने रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए. अब क्योंकि ये मैट्रिक्स चार क्वाड्रेंट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है और इसके नंबर्स भी दिए गए हैं, तो ऑथर भी यही सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले तुम हाई प्रायोरिटी वाले टास्क यानी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वाले टास्क को पहले फिनिश करो, फिर बाद में delegated and then eliminated, मतलब 1, 2, 3, 4 वाले प्रोसेस में जाओ. बट मेरी सोच थोड़ी सी उल्टी है. मैं पहले फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरू करती हूँ विच इज़ टू एलिमिनेट द टास्क दैट आर एक्चुअली टाइम वेस्टर्स विच आर नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, सो दैट मेरी टास्क लिस्ट थोड़ी सी छोटी हो जाए और मुझे पता चले कि टू डू लिस्ट के साथ एक नॉट टू डू लिस्ट भी होनी चाहिए जिसमें हमें पता चले कि क्या काम नहीं करना है, सो दैट एटलीस्ट आधा काम हमारा वहीं पर ही खत्म हो जाए. देन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द टास्क फ्रॉम द फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट, I'll come to the third quadrant, which is about delegating the task. Basically, मुझे अपने schedule में से थोड़ा सा time निकालना है ऐसे task को पूरा करने के लिए जिसको मैं actually किसी और को दे सकती हूँ, so that वो बंदा अपना काम करता रहे और मैं अपनी energy फिर बाकी किसी urgent और important task को करने में लगा सकूँ. Then completing all the tasks from the fourth and the third quadrant, मैं first quadrant के पास जाऊँगी ना कि second वाले पे. Second को हम बाद में भी कर सकते हैं. First is about the urgent and the important task. तो इस कैटेगरी में प्रोडक्टिव रहने के लिए आई हैव 3 मोर टिप्स फॉर यू गाइस. फर्स्ट वन इज टू बैच योर सिमिलर टास्क. सो आई विल गिव एन एग्जांपल. वैसे तो ये अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में नहीं आता, बट लेट्स सपोज मुझे एक पूरे घर की क्लीनिंग करनी है, तो मैं एक एक कमरे की क्लीनिंग पहले करना प्रेफर करूंगी रादर देन हॉपिंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम, क्योंकि वो और ज्यादा टाइम लेगा मेरा. तो अगर मैं एक रूम में पहले घुसूंगी, उसके सारी क्लीनिंग खत्म करूंगी, फिर दूसरे में जाऊंगी, फिर उसकी क्लीनिंग खत्म करूंगी, तो दैट वुड बी मच इजियर फॉर मी. ऐसे ही यू कैन आइडेंटिफाई कि आपके सारे टास्क में से एक जैसी कैटेगरी में कौन से फिक्स होते हैं और उसके बाद यू कैन जस्ट ट्राई बैच वर्किंग योर टास्क and finishing them on time. Then the second tip is to use Parkinson's law, which says कि आप हर एक टास्क के लिए एक टाइम लिमिट एलोकेट कर दो. जैसे कि अगर अपना एग्जाम्पल दो, अगर कि अगर मैंने खुद को ये बोल रखा है कि मैं एडिटिंग अगले 6 घंटे में, लाइक एक वीडियो की एडिट अगले 6 घंटे में पूरी कर दूंगी, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं 6 घंटे में उसको पूरा कर पाऊँ.
बट अगर मैं बोलूँ कि मैं इसको 18 घंटे में कंप्लीट करूँगी तो वो 6 घंटे में पूरा नहीं होगा, वो 18 क्या 19 घंटे भी ले सकता है। तो जितना टाइम आप अपने आप को यू नो डेडिकेट करते हो, अलॉट करते हो, चांसेस हैं कि आप उतने कम टाइम में उस टास्क को कंप्लीट कर लोगे। तो आई वुड सजेस्ट कि हर एक टास्क के लिए एक टाइम डेडिकेट करना शुरू कर दो। देन द थर्ड टिप इज मोनोटास्किंग। जब इतने सारे टास्क होते हैं ना तो हम थोड़ा ओवरवेल्म हो जाते हैं और एक टास्क को करते वक्त हमेशा दूसरे टास्क के बारे में सोच रहे होते हैं कि इसको जल्दी जल्दी खत्म करो, तो दूसरे काम भी करने हैं, ये भी करना है, वो करना है। रिलैक्स, एक टाइम पे एक काम पे फोकस करो, दैट्स इट। देन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द टास्क फ्रॉम फोर्थ एंड थर्ड एंड देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आई विल गो टू द सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें बेसिकली मुझे स्केड्यूल करना है। तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, जितने भी टास्क हैं जो कि ऑटोमेटेड रहते हैं, जो कि रेगुलर करने पड़ते हैं, जैसे लेट्स सपोज वर्कआउट हो गया, तो उसके लिए मैं बस अपने यू नो पूरे दिन का एक स्केड्यूल देखूंगी कि कौन सा टाइम स्लॉट ज़्यादा बेटर पड़ेगा मेरे लिए वर्कआउट को, एक घंटे का वर्कआउट इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एंड देन आई विल जस्ट स्केड्यूल इट, स्केड्यूल ऑल दी ऑटोमेटेड टास्क बेसिकली। सो दिस इज अ वेरी इजी टेक्निक, बट दिस वॉज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइजनहोवर मैट्रिक्स फ्रॉम माई एंड। Usually, if you want to go from 1, 2, 3, 4 वाले quadrant, then आप अपने हिसाब से numbering decide कर सकते हो, but मेरे case में 4, 3, 1 and 2 works the best. And yeah, this was the whole video about managing your time efficiently so that you can save more hours per week to do something productive. And this was the most wonderful video that I've ever made. अभी तक का मेरा best video, I would say this, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा information, बहुत ज़्यादा research लगी है, इसको simplify करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है क्योंकि ये काफ़ी difficult था explain करना, but I hope you guys liked it. This is the summary for you guys and this is the homework. And yeah, this was it for this video, but don't forget to check out Perfora's products link in the description. And also वो Excel sheet जो मैंने बताई है इस video में, उसकी link भी description में होगी. I hope you guys liked the video. If you did, then do hit the like button. Please मुझे comment करके बताओ कि whether you liked the video or not, or what all topics would you like to watch on this channel. And yeah, this was it for this video. Subscribe, share it with someone who is not able to manage their time. And I'll see you guys on next Sunday. Stay tuned. See you soon. Bye.